गांव के पास एक विशाल काला पहाड़ था जिसके बारे में हर व्यक्ति को चेतावनी दी जाती थी। उस पहाड़ की छाया भी मत छूना, कहते थे वहां से जो भी गुजरा कभी वापस नहीं लौटा। रात का समय था, अजीत और उसके दोस्त गांव के त्योहार से लौट रहे थे। तेज हवाओं के बीच पहाड़ का रास्ता उनके सामने था। अजीत के दोस्तों ने डरते हुए कहा, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। लेकिन अजीत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सब बकवास है, मैं देखना चाहता हूँ इसमें कितना सच है। और वह पहाड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही अजीत ने पहाड़ के करीब कदम रखा, हवाएं अचानक थम गई और वातावरण में सन्नाटा छा गया। चारों ओर घना अंधेरा हो गया, जैसे किसी ने आसमान को काले चादर से ढक दिया हो। उसके दोस्त चिल्लाते रहे, अजीत वापिस आओ, अजीत वापिस आओ, लेकिन अजीत ने उनकी आवाज को अनसुना कर दिया। अजीत जैसे ही पहाड़ की छाया के अंदर पहुंचा, उसे लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। अचानक जमीन से काले धुएं की आकृतियां निकलने लगी, मानो हजारों आत्माएं उस पहाड़ के अंदर फंसी हों। उन धुएं की आकृतियों ने अजीत को घेर लिया, उसकी चीखें सुनाई दी, पर उसके दोस्त केवल उसकी आवाज़ सुन सकते थे, उसे देख नहीं पा रहे थे। उसकी चीखें धीरे धीरे गूंज में बदल गईं और अंत में सन्नाटा हो गया। अजीत कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं रात को पहाड़ के पास से गुजरने वाले लोग अब भी उसकी चीखें सुनते हैं।